शिक्षकों को मनचाहा जिला मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। उनको ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए ताकि वो मानसिक रूप से ठीक रहें और क्लास ले सकें। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि शिक्षा को लेकर लगातार यहां पर सवाल जवाब हो रहा है। बीते दिन बीजेपी MLC नवल किशोर यादव ने अपनी ही सरकार से कई सारे सवाल पूछ दिए थे। हमने आपको दिखाया था कि किन किन मुद्दों को अंदर में उठाया था बीजेपी MLC नवल किशोर यादव जी ने। तो देखिए, अभी अभी हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि RJD बड़ा आरोप लगा रही है इस पर, नवल किशोर यादव जी की क्या प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ बताया है। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी MLC नवल किशोर यादव जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल तो गजब बमके हुए थे, अलग ही तेवर में नजर आ रहे थे नवल जी। नहीं, बमकना और तेवर लोकतंत्र में कोई बमकना कहीं डिरेल होना काम नहीं। अपनी बातों को संजीदगी से रखना जी, अपने जनता के लिए, मतदाताओं के लिए ये बमकना नहीं है। अपनी बातों को मुस्तैदी से रखना है, वो रख रहे। कौन कौन सा मुद्दा कर रखा है मुस्तैदी के साथ? एक तो है कि जो लोगों को स्थानांतरण कर दे रहे हैं 500-500 किलोमीटर, वो गैर संवैधानिक है। उनको ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए ताकि वो मानसिक रूप से ठीक रहें और क्लास ले सकें। दूसरा था कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलेगा, तो मुख्यमंत्री से भी बड़ा कौन हो गया कि उसको अनुपालन नहीं कर रहा है, ये सदन में जानना चाहते थे। दोनों पर सरकार ने कमिटमेंट किया है कि हम 48 घंटे के अंदर 10 से 4 का, और जो नियमन बन रहा है नई कानून पदस्थापन का, उसमें हम व्यवस्था करेंगे। आज क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? अब आज जो सदन में आता है देखते हैं। जी जी, उस पर बहस होगी। अच्छा, लेकिन एक और बात है, कल जब आप बोल रहे थे और जब आपको जवाब दिया था शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने, तो एक बात तो उन्होंने साफ कह दिया था कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, यानी कि कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, यानी कि अब भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके अरमानों पर पानी फिरने जा रहा है। नहीं, ये सदन का भाषा है, मैक्सिमम लोगों को जब बेनिफिट देंगे तो इक्का दुक्का एक्सेप्शन रह जाता है, एक्सेप्शन के लिए अलग से इंतजाम होंगे। यानी कि नवल जी कह रहे हैं कि अब शिक्षकों को मनचाहा जिला मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा, मनचाहा जिला मिलेगा। और स्कूल टाइमिंग को लेकर जो आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कब का कहा था, लेकिन अब तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। लगता है कि 48 घंटे के अंदर शिक्षा विभाग एक और बड़ा आदेश निकालेगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के घोषणा का, मंत्री का कमिटमेंट है। कईयों का वेतन भी रोका गया है नवल जी। वेतन भी रिलीज कर दिए जाएंगे, वेतन भी रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि गारंटी दे रहे हैं एकदम। अब सदन में कह रहे हैं तो और कहां भगवान पर कहेंगे, सदन हाँ। ही ना सबसे सर्वोपरि है। जी जी जी, लोकतंत्र का मंदिर तो सदन है हाँ। और सदन में कमिटमेंट सरकार कर रही है तो दैट्स ऑल। अच्छा, शिक्षा विभाग के नए SES आगे क्या लगता है, कुछ बदलाव हुआ है KK पाठक के वक्त में और S सिद्धार्थ के वक्त में, कुछ बदला है? नहीं बदला है। क्या बदला है? टेम्परेचर जो फाटक जी रोज टेम्परेचर बढ़ाए रहते थे हाँ। नए SES टेम्परेचर नहीं बढ़ाए रहते हैं, एक्सीलेंटली विभाग को चला रहे हैं। एक्सेलेंटली चला रहे हैं विभाग को, निश्चित। लेकिन ये भी धड़ल्ले से कार्रवाई कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज की बड़ी खबर है, राजद वालों ने फाइल निकाल लिया है, शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। यानी कि KK पाठक के वक्त में डेस्क और बेंच घोटाला हुआ था और अभी टैब घोटाला हुआ है। S सिद्धार्थ के वक्त में बाजाब्ता फाइल दिखा रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। अब वो फाइल दिखा रहे हैं, हम लोग सदन में आएंगे, हम लोग भी देखेंगे। KK पाठक के जमाने में घोटाला हुआ है, उसकी जाँच मान रहे हैं आप? निश्चित रूप से। उसके लिए भी आवाज उठाइएगा, निश्चित रूप से, कि KK पाठक के वक्त की फाइलिंग खुले, राज खुले, पर्दा उठे, जांच हो, जांच हो। लेकिन अब भी बड़ा घोटाला, टैब घोटाला दिखा रहे हैं राजद वाले। देख लेते हैं, मुझे जानकारी नहीं है जी, जानकारी लेंगे और उस पर बात करेंगे।
तो सुना आपने कि क्या कुछ बता रहे हैं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी। साफ साफ कह दिया है कि शिक्षा मंत्री ने साफ साफ उन्हें बता दिया है कि 48 घंटे के अंदर बड़ा एक्शन होगा। ये भी बताया है कि शिक्षा विभाग एक बड़ा आदेश जारी करने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।